हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक आईएसओ की 2 घंटे पहले हमारे पास एक बहुत अच्छी जानकारी आई है, संविधान अनुच्छेद 19 के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, इसके हेडिंग है 2 घंटे पहले ये मिली एक बड़ी लेटेस्ट जानकारी। आइए दोस्तों, सब्सक्राइब लाइक बाद में होगी, सबसे पहले ये पोस्ट पढ़ी जाएगी कि क्या लिखा है आखिर इसमें। संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार हमें अपने मौलिक हक के लिए धरना प्रदर्शन या हड़ताल या फिर भूख हड़ताल का हक प्राप्त है, अगर जान का खतरा ना हो। और अपने हक यानी अपने पैसा वापस पाने के लिए धरना प्रदर्शन हड़ताल या फिर भूख हड़ताल का सहारा लिया गया है। मूल अधिकार के उल्लंघन का कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। धरना प्रदर्शन विचारों की अभिव्यक्ति का एक तरीका है और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इसकी व्याख्या की गई है। भूख हड़ताल एवं अहिंसक प्रतिरोध या दबाव की एक विधि है जिसमें प्रतिभागियों को उपवास पर विरोध करते हैं। या दोस्तों, उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रतिभागी उपवास कर विरोध कर सकता है। पुलिस अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, यानी कि किसी शख्स की जान को खतरा ना हो और फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मूल अधिकार से वंचित कर दिया जाए, यह नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है, हर नागरिक के हक को हक है कि वह संविधान अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। इसलिए संविधान के दायरे में रहते हुए मानसा पंजाब के महेंद्र पाल दामगढ़ जी 25 नवंबर से आप सबके लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप और हम सबका फ़र्ज बनता है कि हम 2 दिसंबर को मानसा में निकल जाने वाले रोष प्रदर्शन को भारी समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचकर अपने संविधान का अधिकार पर का प्रयोग करें। जय संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट न्यूज़ जो हमें मिली, इसमें एक हमें संदेश छोड़ा गया है कि 2 दिसंबर को मानसा में निकलने वाले रोष प्रदर्शन को भारी समर्थन दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचकर संविधान अधिकार का प्रयोग करें। जय संघर्ष समिति। दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी गई, ये AISO की तरफ से हमारे पास 2 घंटे पहले आई है जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे ज्वाइनिंग बटन को भी दबाएं ताकि आपको अधिक जानकारी मिल सके और हर एक वो पल पल की खबर हम आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे पास बाय पोस्ट या बाय मीडिया के द्वारा जो भी मिलती है दोस्तों, आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपका फ़र्ज़ बनता है हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें। दोस्तों, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।